हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित डागर। मेरे नए यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब इन्फो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं मुझसे कमेंट करके बोल रहे हैं कि भाई, पैरा अरेंजमेंट की पूरी डिटेल बताइए कि उसमें जो जीडी का क्या फिजिकल है, ट्रेडमैन का क्या फिजिकल है, और इसमें अदर सेंटर का सिलेक्शन होता है या नहीं, और क्या इसका जो फिजिकल प्रोसेस है, मतलब क्या क्या स्टेप वहाँ पे देने होते हैं, कितने किलोमीटर की रनिंग होती है, क्या चिनअप्स, क्या पुलअप्स, क्या स्टेप्स, जो भी है सब इसमें आपको क्लियर करूँगा। और मैं आपको बताऊँगा कि इसका सेंटर कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, और आपको ये भी बताऊँगा कि क्या इसको ओपन वाले देख सकते हैं या नहीं, या रिलेशन वाले ही देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि पैरा रेजिमेंट में जाने के लिए दो तरीके होते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का ज़रूर देखना है, जब भी आपको हमारी ये वीडियो समझ आएगी। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे एक मैंने PDF डाउनलोड की हुई है, जो कि रिक्रूटमेंट है, जो प्रोसीजर बताया हुआ है यहाँ पे पैरा रेजिमेंट के बारे में। यहाँ पे कुछ उनकी प्रोफाइल और डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं, जो कि हमें हमारे कुछ काम की नहीं है। वैसे वैसे आप पढ़ सकते हैं, जो भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे सीधा हम फिजिकल की तरफ लेके चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो फिजिकल टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मेंशन किया है 5 किलोमीटर 20 मिनट में आपको आना है। 20 मिनट के अंदर अंदर आपको 5 किलोमीटर कंप्लीट करनी है। जो और नीचे यहाँ पे देख पा रहे हैं चिनअप्स, यहाँ पे देख पा रहे हैं चिनअप्स आपको 14 मारने हैं, मतलब आपको 14 चिनअप्स ही मारने होंगे। अगर आप 13 भी मारते हो तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा सीधा, आपको कोई मौका वहाँ पे नहीं दिया जाता। पुशअप्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो पुशअप्स हैं वो आपको 40 बार मारने हैं, एक ही सांस में मारने हैं, मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर आपको मारने हैं। आप उसे एक सांस में मारिए या दो सांस में मारिए, पर आपको मतलब 40 स्टेप जो वो मारने हैं पुशअप्स 1 मिनट के अंदर अंदर। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ एक और, जो यहाँ पे सिटअप्स हैं, सिटअप्स यहाँ पे 80 मारने हैं भाई आपको, वो भी 2 मिनट के अंदर अंदर। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दी सिटअप्स और पुशअप्स और चिनअप्स के। और नीचे यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे शटल है, शटल जो मीटर है वो मैं आपको बताऊँगा कितने मीटर तक शटल भगाते हैं, जो कि 17 17 टाइम, मतलब 17 बार आपको उस साइड से इस साइड आना होगा, राइट टू लेफ्ट जाना होता है भाई 1 मिनट के अंदर 17 टाइम। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे कुछ इस टाइप के फिजिकल जो होता है, जो पैरा रेजिमेंट सेंटर है जो कि बेंगलोर में है, मैं आपको बता दूँ बेंगलोर में है पैरा रेजिमेंट, और यहाँ पे कुछ इस टाइप का फिजिकल होता है जीडी वालों के लिए। मैं आपको ट्रेडमैन वालों को भी बताऊंगा कि ट्रेडमैन का क्या फिजिकल होता है। एक भाई ने मुझे यही कमेंट किया था कि भाई, जो ट्रेडमैन होते हैं उसका क्या फिजिकल होता है पैरा रेजिमेंट में। तो सबसे पहले हम पैरा रेजिमेंट के एक और यहाँ पे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं एक चार्ट है मेरा पैरा रेजिमेंट का ही, और यहाँ पे देख क्लियर आप देख पा रहे हैं जो जीडी के लिए है वो ये जो फिजिकल उनके लिए अलाउ है वहाँ पे। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ फिर से, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो जीडी के लिए प्रोसेस है, जो रनिंग फिजिकल है वो ये है, और उनके मार्क्स भी आप देख पा रहे हैं 60 आपको रनिंग में मिलेंगे, चिनअप्स में आपको 40 मिलेंगे जब आपका 100 का फिजिकल होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हो चुका है यहाँ पे जो फिजिकल मैंने आपको बताई है। और नीचे यहाँ पे देख पा रहे हैं जो नीचे है ट्रेडमैन म्यूजिशियन, मतलब ट्रेडमैन हो या म्यूजिशियन वाले हों कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है, उनका 1600 मीटर है, जो कि 5:30 के अंदर या 5:45 के अंदर अंदर आपको आना है। यहाँ पे बोला गया है जो 5:30 के अंदर आएगा वो फर्स्ट होगा, जो 5:30 मतलब 5:31 से लेकर 5:45 के बीच में आएगा वो गुड होगा, मतलब फिर उसको 48 नंबर मिलेंगे, और 5:30 के नीचे आता है तो उसे 60 नंबर मिलेंगे। पुलअप्स वही दोस्तों, सब सेम प्रोसीजर जो हर किसी रिलेशन भर्ती में होता है, पुशअप्स मारने हैं 10 8 9, जितने भी कम मारोगे इतने नंबर करते चले जाएंगे। नीचे वहाँ पे बोला गया है यहाँ पे बैलेंस और 9 9 फिट डीच, मतलब गड्ढा दागना 9 फुट, और बैलेंस है जो भी। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कुछ इस टाइप का तो ट्रेडमैन का है, और कुछ इस टाइप का जीडी का प्रोसेस होता है पैरा रेजिमेंट सेंटर में। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं जो इसमें फिजिकल क्लियर कर लेता है जीडी वाला, तो वो 100% लग जाता है, क्योंकि जो इसका फिजिकल है हर कोई इसे क्लियर नहीं कर पाता, बहुत कम बंदे इसमें टेस्ट में बैठते हैं, और वैकेंसी भी खूब अच्छी आती हैं, 50 60 के या 70 80 के समथिंग में खूब आ जाती हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, या कोई भी प्रॉब्लम हो आपको पैरा रेजिमेंट से रिलेटेड, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों पर शेयर करना ना भूलें। थैंक्स टू वॉचिंग, बाय बाय।